घबराइए मत, क्योंकि हम आपको कॉफी छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कॉफी पीना आपकी एक आदत हो सकती है। आपको सुबह उठते ही एक कॉफी तो कम से कम चाहिए ही। कॉफी पीना कई लोगों की आदत होती है, लेकिन कॉफी में 82%, सही से सुनिए, 82% कैफीन होती है, और कैफीन कभी कभी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो मेरा नाम है पंकज पारिक, और आज हम बात करेंगे कि कॉफ़ी पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं, और कॉफ़ी को छोड़ने पर वो नुकसान आप में एडवांटेज कैसे बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू। सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ एंड न्यूज एनालिसिस को हेल्थ और दुनिया के बारे में जानकारी और अपडेट के लिए। कॉफ़ी पीना कई तरीकों से नुकसान करता है, तो सवाल आता है कि अब हम इसे छोड़े कब कब छोड़े? आज आज पी लें, कल से छोड़ेंगे, या परसों छोड़ेंगे, या अगले महीने से छोड़ेंगे, नए साल से छोड़ेंगे, कोई फेस्टिवल से छोड़ेंगे? लेकिन सबसे बेस्ट टाइम आज का होता है, अब का होता है, इसी वक्त का होता है। अगर आप वीडियो देखते हुए कॉफ़ी पी रहे हैं तो छोड़ दीजिए इस कॉफ़ी को, क्योंकि यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। सबसे बेस्ट टाइम है आज का, अभी का, इसी वक्त का। आप इसी वक्त से कॉफ़ी छोड़ सकते हैं। अगर आप 2 घंटे बाद कॉफ़ी पीने वाले हैं तो छोड़ दीजिए, मत पीजिए आज, और आज से ही छोड़ दीजिए। यही सबसे अच्छा और बेस्ट टाइम होगा। अब हम उन 4 नुकसान की बात करते हैं। अगर कॉफ़ी नहीं पीते या छोड़ देते हैं तो आप में वे फ़ायदे हैं, आप में वे एडवांटेज हो सकते हैं। तो पहला है, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपको चिंता होती है, डिप्रेशन होता है, आप में तनाव बढ़ता है। आप देख लीजिए, अगर आप दिन में 3 से 4 कप कॉफ़ी पीते हैं तो आप में तनाव ज़्यादा है, आपको बात बात पर, किसी न किसी बात पर चिंता होती है, आप में तनाव रहता है, आप छोटी छोटी बातों पर घबरा उठते हैं। तो आप अगर कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो आप में तनाव, चिंता, घबराना, घबराहट होना आम बात है। कॉफ़ी पीना आपको एक तरीके से और परेशान कर सकता है, वह है अनिद्रा, आपको नींद नहीं आना। और अब दूसरा नुकसान है कि अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आप में अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, आप में नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। हमने अपनी पिछली एक वीडियो में जो थी नींद के बेहतर टिप्स, उसमें आपको बताया था कि आप अगर सोने जा रहे हैं तो उससे 4-6 घंटे पहले कॉफ़ी या कैफीन वाली कोई चीज़ ना लें, क्योंकि इससे आपकी नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका नींद का टाइम टेबल चेंज हो सकता है। अब तीसरा नुकसान है कि चाय या कॉफ़ी पीने से आपके दांतों में नुकसान हो सकता है, आपके दांत दाग हो सकते हैं, आपके दांत पर दाग हो सकते हैं, आपके दांत खराब हो सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी में टेनिन होता है और वह आपके दांतों पर चिपकता है, इससे आपके दांत कमज़ोर और दिखने में भी खराब हो सकते हैं। अब चौथा प्रॉब्लम है हाई बीपी। अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उच्च हो सकता है, और ज़्यादा कॉफ़ी पीने से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। आपको कई बार ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पीने पर हार्ट अटैक का ये एक कारण हो सकता है। तो हमारा आपसे यही कहना है कि आज ही आप कॉफ़ी को छोड़ दीजिए, इसी वक्त से छोड़ दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग बातों के लिए आप अपने हाथ से कॉफ़ी का कप रखिए और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए। अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपने आसपास स्वच्छता रखें। जय हिंद, जय भारत।